हुए हैं आपके दर्शन सुबह से लेकर शाम तक। तुम बहुत सी वस्तुओं को देखते हो, पेड़ पौधों को देखते हो, मनुष्यों को देखते हो, नर नारियों को देखते हो, फूलों को देखते हो, गाड़ी घोड़े देखते हो, मकान दुकान देखते हो, रंग बिरंगे रूप देखते हो, अच्छे बुरे लोगों को देखते हो। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सारी दुनिया को देखते हो, लेकिन 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 क्या कभी आपने खुद को देखा है, अपने को देखा है? क्या खुद की आवाज को सुना है, आत्मा की आवाज को श्रवण किया है? तुम्हारी आत्मा का क्या संदेश है? दूसरों का दर्शन आसान है, लेकिन जीवन में बहुत कम क्षण ऐसे आए होंगे जो किसी महान गुरु का दर्शन हुआ। और गुरु का दर्शन धीरे धीरे आत्मदर्शन करा देता है, निज दर्शन करा देता है। मैं कौन हूं इसका बोध करा देता है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम। वेद ऋषि ने कहा है कि मैं कौन हूं। वेद ऋषि उत्तर देता है, एम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ब्रह्म का रूप है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तुम ब्रह्म का रूप हो, तुम आत्मा हो। तो आत्मा कैसी है? अजर है, अमर है, अखंड है, अनुपम है, अविनाशी है। यह आत्मा का स्वरूप बड़ा विचित्र स्वरूप है। साहिब बंदगी साहिब, ये भी हमारे भक्त कहाँ से आए हैं बताइए। नागालैंड, नागालैंड श्री फूलचंद प्रजापति जी के भतीजे हैं। आपके बारे में सूचना प्राप्त हो चुकी थी, धन्यवाद। क्या नाम है? श्री लाला राम प्रजापति। फोर्स में है, मिलिट्री में सर्विस करते हैं। श्री लाला राम के लिए एक बार जोरदार। आइए लाला राम जी, यहाँ बैठ जाइए। वो कुर्सी पे बैठ जाओ। नहीं, वाह 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 वाह। श्री विकास गुप्ता जी लखीमपुर, श्री अभिलाष गुप्ता जी लखीमपुर, श्रीमती सुमन गुप्ता लखीमपुर। बैठो, कुर्सी पे आ जाओ। आ जाओ सुमन जी, चाहे जिधर आ जाओ, दोनों इलाका तुम्हारा है। अभिलाष गुप्ता ऊपर 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 कुर्सी बैठ जाओ। राजश्री देवी गुप्ता जय लखीमपुर, जय जय। बैठिए श्रीमती उषा गुप्ता। बस बैठो, सबको बिठा लो। भगवती देवी सोलंकी साहिब बंदगी, बहुत अच्छा लगने लगा। रवि
विकास के साथ बैठ जाओ, तुम्हारा केक आया है, अपना केक बचाओ। साई बंदगी, साई बंदगी। कुशल मंगल माता जी, ठीक, हम इंतजार में थे। साई बंदगी, साई हुई है आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद अब मेरे। हुई है आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद अब मेरे। हटे दुख द्वंद अब मेरे, हटे दुख द्वंद अब मेरे। हटे दुख द्वंद अब मेरे, हटे दुख द्वंद अब मेरे। हुए हैं आपके दर्शन, हुए हैं आपके दर्शन। हटे दुख द्वंद अब मेरे, हटे दुख द्वंद अब मेरे। हटे दुख द्वंद अब मेरे, हटे दुख द्वंद अब मेरे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आइए लाइए माला, जल्दी आइए दोनों भाई, राम लक्ष्मण बनकर आ जाओ। आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद अब मेरे। हुए हैं आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद अब मेरे। सुनाए ज्ञान दाया कर, मिटे है मोह के घेरे। सुनाए ज्ञान दाया कर, मिटे है मोह के घेरे। हुए है आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद अब मेरे। हुए है आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद अब मेरे। हटे दुख द्वंद अब मेरे, हटे दुख द्वंद अब मेरे। हुए हैं आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद अब मेरे। सुनाए ज्ञान दाया कर, मिटे है मोह के घेरे। सुनाए ज्ञान दाया कर, मिटे है मोह के घेरे। मिटे है मोह के घेरे, मिटे है मोह के घेरे। हुए है आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद अब मेरे। हुए है आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद अब मेरे। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी बोलो, यथास्थान विराजित हो जाए। हुए हैं आपके दर्शन, हटे दुख द्वंद अब मेरे। सुनाए ज्ञान दाया कर, मिटाए मोह के घेरे। हर जीव मोह के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, उसके सब तरफ मोह का घेरा है।
उस मोह के घेरे को कम करने वाले सद्गुरुदेव हैं, उनका ज्ञान मोह को प्रेम में बदलता है, क्रोध को करुणा में परिवर्तन करता है, लोभ को उदारता में चेंज करता है, आलस्य को पुरुषार्थ में कन्वर्ट करता है। जो भी गलत दिशा में हमारी एनर्जी खर्च हो रही थी उस हमारी दिशा को ठीक करता है गुरु का ज्ञान। और जिसके जीवन की दिशा ठीक हो जाती है उसके जीवन की संपूर्ण दशा ठीक हो जाती है, और जिसके जीवन की दिशा बिगड़ गई है उसके जीवन की दशा बिगड़ जाती है। और जीवन की दिशा अगर जीवन भर में नहीं सुधरी तो फिर उसके जीवन की दुर्दशा हो जाती है, दुर्दशा हो जाती है। इसलिए सही दिशा को पकड़िए। कितने लोग कहते हैं उनकी इस समय बड़ी खराब दशा है। खराब दशा क्यों हुई? क्योंकि उनके जीवन की दिशा खराब है, गलत दिशा में चल रहे हैं, गलत यात्रा कर रहे हैं, गलत फील्ड में एक्सरसाइज चल रहा है। जिन चीजों को नहीं देखना चाहिए उनको देख रहे हैं, जिन बातों को नहीं सुनना चाहिए उनको सुन रहे हैं, जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, जिस राह पर नहीं जाना चाहिए उस पर ही चल रहे हैं, और जो चीजें नहीं सोचना चाहिए उनको सोच रहे हैं। जिनकी सोच बिगड़ गई उनकी जिंदगी एक दिन बिगड़ जाती है, और सत्संग केवल तुम्हारी सोच को सुधार देता है तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाती है, और जिंदगी में जो कांटे थे फिर वे फूल बन जाते हैं, और जिंदगी में दुख की दुर्गंध थी वो सुख की सुगंध बन जाती है। समय थोड़ा है, जिंदगी का अंत किसी को पता नहीं है। सब सोचते हैं न जाने कब किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। राम राम कब हो जाए शाम, कितना करना है काम, बहुत है प्रोग्राम। लेकिन जिंदगी की शाम को कभी मत डरिए, हर शाम जिंदगी की शाम समझिए, हर सवेरा जिंदगी का नया सवेरा समझिए, हर रोज नई जिंदगी में प्रवेश करिए। महात्मा बुद्ध को प्यास लगी थी, प्यास से परेशान थे, अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा कि जाओ पीने के लिए पानी लाओ। किसी से कहना ये मत कहना पानी लाओ, पीने के लिए पानी लाओ, हाथ धोने के लिए पानी लाओ, पैर धोने के लिए पानी लाओ। पानी भी सब अलग अलग होता है। हाथ धोने के लिए पानी सेकंड क्वालिटी का होता है, पीने का पानी एक क्लास का होता है। पीने का पानी मांगा, शिष्य गया कमंडल लेकर। साधुओं के पास कमंडल होते थे, हम एक ऐसे साधु हैं जिनका कमंडल खत्म हो गया। कमंडल मंडल नहीं रखता, ब्रह्म कमंडल रखता हूं हाथ धोने के लिए, ब्रह्म कमंडल। मेरे पास एक टोटी लोटा रहता है, उसका नाम ब्रह्म कमंडल, विकास गुप्ता के पिताजी ने नामकरण किया है, उनकी मौसी ने दान दिया तो इनके पिताजी ने नाम रख दिया ब्रह्म कमंडल। कमंडल लेकर पानी, एक छोटा सा नाला बह रहा था, छोटी नदी, उसमें पानी लेने के। प्राचीन समय में नदियों का पानी पिया जाता था, तालाबों का पानी पिया जाता था, तब भी लोग बीमार नहीं होते थे। आज के युग में सब फिल्टर पानी पीते हैं, तब भी बीमार बहुत होते हैं। उस समय मनुष्य के शरीर बड़े मजबूत होते थे। वापस लौट कर आया खाली कमंडल लेकर शिष्य। बुद्ध ने पूछा पानी लाए हो? शिष्य ने कहा पानी नहीं लाया हूं। तो प्यास बहुत लगी है, खाली क्यों आए हो? बोले पीने योग्य पानी नहीं था, हाथ पांव धोने योग्य है, पीने योग्य नहीं। बोले क्या मतलब?
पुले पानी गंदा बहुत था, बहुत गंदा है। बुद्ध ने कहा कि दूसरी बार फिर जाओ और जिस जगह पर पानी गंदा था उसी जगह जाइए और देखिए जाकर के अब पानी कैसा है, और कमंडल भी ले जाओ। शिष्य गया, उसी जगह पर पहुंचा जहां पहले से देखकर लौट गया था, गंदा पानी था। अब देखा उसने कि बहुत निर्मल पानी है, एकदम स्वच्छ है, उसमें मुंह अपना देख लो दर्पण। उसने कमंडल भरा, बुद्ध के लिए लेकर आया, बुद्ध को कमंडल हाथ में दिया, पी लीजिए गुरुदेव, बड़ा स्वच्छ जल है। बोले कैसे स्वच्छ हुआ? बुद्ध ने कहा वो गंदा जल नहीं था, उस समय उसमें बैलगाड़ी एक निकली थी, इसलिए उस बैलगाड़ी के कारण वो जल गंदा हो गया था। और दूसरी बार जब तुम गए तो बैलगाड़ी से जो जल गंदा हुआ था वो बह चुका था, प्रवाहित हो चुका था, फिर नया जल आ गया था, वहां नदी बह रही थी और स्वच्छ जल तुमको मिल गया। बुद्ध ने कहा इसी तरह से मनुष्य की जिंदगी भी एक सरिता है और जीवन की सरिता, कभी इसमें काम क्रोध की बैलगाड़ी निकल जाती है, कभी बुराइयों की बैलगाड़ी निकल जाती है, तो जीवन की सरिता गंदी हो जाती है। और थोड़ी देर इंतजार करो, जब इसमें कोई स्थिरता आती है, सत्संग का प्रभाव पड़ जाता है, तो जिंदगी की नदी निर्मल हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है। इसलिए जीवन को नदी भी कहा गया है, जीवन एक धारा है। दुख आता है, ये मत सोचना ये सदैव रहेगा, दुख भी मेहमान है और दुख सुख की खबर लेकर आता है कि मैं आया हूं और जिस दिन मैं विदा हो जाऊंगा उस दिन मेरे पीछे मेरा दूसरा भाई सुख खड़ा है, वो भी आने वाला है और वो आपको सुख देगा। और सुख जब आता है वो दुख की खबर लेकर आता है कि मैं भी मेहमान हूं, थोड़े दिन ही रुकूंगा, ज्यादा फूलना पचकना मत, मेरे पीछे मेरा दूसरा भाई दुख खड़ा है, वो भी आने वाला है, हम दोनों ड्यूटी देते हैं। युगल दास हैं जीव के, दुख सुख वाको नाम, ये दो सेवक हैं जीव की, दास माने सेवक होता है, युगल दास हैं, युगल माने दो, युगल दास हैं जीव के, दुख सुख वाको नाम, एक का नाम दुख है दूसरे का नाम सुख है। एक राहत ठाढ़ो सदा एक करत विश्राम, एक हमेशा तुम्हारी सेवा में खड़ा रहता है और दूसरा विश्राम करता रहता है। जब दुख सेवा में खड़ा होगा, अब तुम सोचोगे अब ये दुख मिटेगा कि नहीं मिटेगा, कितने ज्योतिषियों को तुम हाथ दिखाते हो, कितने ज्योतिषियों से पूछते घूमते हो कि ज्योतिषी जी देखिए भाग्य में क्या दुख ही दुख है, पूछो न पूछो दुख आता नहीं रहने के लिए, दुख आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए, दुख आता है अपने परायों की पहचान करने के लिए, दुख आता नहीं सदा रहने के लिए, दुख आता है अपनों परायों की पहचान करने के लिए, दुख आता नहीं सदा रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। और प्यार और पीड़ दो किनारे हैं जिंदगी के, जिंदगी धार है बहने के लिए, जिंदगी धार है बहने के लिए, ये दो किनारों के बीच में जिंदगी की नदी बहती है, एक किनारा दुख का है दूसरा किनारा सुख का है। एक किनारा दुख का है दूसरा सुख का है, तुम बीमार हो गए तुम दुखी हो गए, बहुत दुख लग गया तुमको, लेकिन ये मत समझना कि सदैव बीमार रहोगे, स्वस्थ भी हो जाओगे। बीमारी आती है तो तुम्हें ऐसा लगता है बीमारी जाएगी नहीं, और जाएगी तो साथ में ले जाएगी,
बहुत कठिन बीमारी है, लेकिन नहीं, बीमारी चली जाए।